गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 बेस्ट कोरियन ड्रामा और चाइनीज़ ड्रामा। और ये सब के सब ड्रामा रोमांस और कॉमेडी ड्रामा होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा इसका स्टोरी लाइन। और ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। नंबर पे डार्क क्लब, इसके टोटल 24 एपिसोड्स है और पर एपिसोड आपको 40 से 45 मिनट का देखने के लिए मिलेगा। और ये आप काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, इसमें रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। और इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का होता है जो फैशन डिज़ाइनर होता है और वो अपने इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हाई हेवी होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसको कुछ मजबूरी के कारण एक छोटा अभिनेत्री से शादी करना पड़ता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा और लड़का काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है क्योंकि वो मजबूरी में शादी किया होता है। तो शादी करने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे के लिए चुन जाता है और कैसे एक दूसरे के करीब आता है। और वो जो लड़का होता है फैशन डिज़ाइनर, उसको कैसे सपोर्ट करता है और वो लड़की जो होती है जो शादी कर चुकी होती है वो भी कैसे ऊपर आती है दिखाया गया। तो आप लोग इसको जा कर के देखिए, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। नंबर पे है हेलो मिस्टर गु, इसके टोटल 30 एपिसोड्स है, पर एपिसोड आपको 40 से 45 मिनट का देखने के लिए मिलेगा। और ये आप जा कर के विकी पर देख सकते हैं। और इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा होता है कि एक सीईओ होता है कंपनी का, जो एक मजबूर एक गरीब लड़की से शादी करना पड़ता है और शादी करने के बाद कैसे वो धीरे धीरे रिश्ता को निभाते हैं और कैसे कैसे एक दूसरे के लिए करीब आते जाते हैं और वो दोनों के बीच में कैसे प्यार होता है और ये दिखाएगा। तो आप लोग इसको जा कर के देख सकते हैं, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा और ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंप्रेस भी करेगा। ये रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और वो जो सीईओ होता है जो गरीब जगह पे और कैसे भीड़ भाड़ वाली जगह से वो नफरत करता है, और उससे शादी करने के बाद जब एक दूसरे को जानने लगते हैं तो वो उसको हर एक चीज़ पसंद आने लगता है। तो आप लोग इसको जा कर के देखिए, काफ़ी हद तक आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आए। और थर्ड विंटर विंड फ्लो, इसके टोटल 16 एपिसोड्स है और पर एपिसोड आपको 40 से 45 मिनट का देखने के लिए मिलेगा। ये रोमांस सस्पेंस और कॉमेडी टाइप ड्रामा है और ये आपको जा कर के नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और विकी पर भी जा कर के देख पाएंगे। और इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की होती है जो अंधी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली होती है, और एक लड़का जो चोर होता है उसके घर में घुस करके चोरी करने के लिए। और उसका लड़की का एक भाई होता है जो खो चुका होता है, तो उसके भाई बन करके उसके साथ रहने लगता है और उसके चोरी करने का प्लान बनाने लगता है। और जैसे उसके बारे में समझ में आने लगता है लड़की के बारे में उस लड़के को, तो लड़का उस लड़की के करीब जाने लगता है और वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बनने लगता है। और लड़की को भी मालूम पड़ जाता है कि मेरा भाई नहीं है, तो कैसे एक दूसरे से प्यार होने लगता है और जो उसका प्लान था वो प्लान छोड़ देता है और कैसे दोनों आगे बढ़ते ही दिखाएगा। तो आप लोग इसको जा करके ये ड्रामा देख सकते हैं। नंबर पे है बैंकॉक वैम्पायर, ये एक सस्पेंस टाइप ड्रामा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ड्रामा पसंद आएगा। ये वैम्पायर पे है, एक ऐसा वैम्पायर का फैमिली होता है जिसमें एक भाई बहन होते हैं जो अपने बहन को रहस्यमय तरीके से खो देता है और उसको ढूंढने के लिए बैंकॉक जाता है क्योंकि उसको बैंकॉक का पता चलता है, बैंकॉक में है उसकी बहन ऐसा करके। तो वो बैंकॉक जाता है, बैंकॉक जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय तरीके से लोग वहाँ के जो लोग जो रहते थे वो गायब होते हैं, तो कैसे वो सबको पता लगाने के लिए क्या क्या करता है और अपने बहन को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हुए दिखाया गया है ड्रामा में। ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा, ये वैम्पायर टाइप ड्रामा है। तो आप लोग इसको जा कर के MX प्लेयर पर देख सकते हैं, इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं। नंबर पे है माई हस्बैंड ओ जांगतून, इसके टोटल 24 एपिसोड्स हैं और पर एपिसोड आपको 40 से 45 मिनट का देखने के लिए मिलेगा। और ये आप जाकर के MX प्लेयर पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। ये कॉमेडी और रोमांस ड्रामा है और इसका स्टोरी लाइन कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की होती है जो काफ़ी ज़्यादा काजी होती है और काम करने वाली होती है, लेकिन समाज में रहने के बाद समाज के लोग जो होते हैं जो उसको हमेशा चिढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो अकेली होती है। फिर उसके बाद एक लड़के से शादी करती है और अपना घर बसाती, घर बसाने के बाद कैसी ज़िंदगी जीती है और जो लोग जो समाज में थे कुछ लोग जो उसका मजाक बनाते उसको कैसे
जवाब देती है और उनका प्यार देख सकते हो। दोनों जो जो उसका जो मजाक उड़ाते हैं वो कैसे जलती है दिखाएगा, तो आप लोग उसको जा कर के देखिए। काफ़ी हद तक कि आप लोगों को ये ड्रामा मजा आएगा, इसमें ज़्यादा आप लोग कॉमेडी देख पाएंगे। तो आप ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, ताकि आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेके आ सकूँ। और जो ड्रामा आप लोगों को नहीं मिल रहा, आप लोग कमेंट करो, मैं वो ड्रामा लेके आऊँगा। ऑफिशियल हिंदी डबल मूथ हो तो, या और जो भी हिंदी सब चैनल्स हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं।